आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। दिसंबर 2012 की वो काली रात जिसका जिक्र सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मासूम निर्भया की जो अब इस दुनिया में नहीं है। निर्भया के दर्द को बयां करती निर्भय शक्ति नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। ये विमोचन समारोह दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम को पर्ल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। ये पुस्तक निर्भया के माता पिता के संघर्षों पर आधारित है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं निर्भया के माता पिता का क्या कहना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बातें होती है, बहुत इस पर डिबेट चलता है, लेकिन अब डिबेट और बात से कुछ होने वाला नहीं है। अब उस काम को अंजाम देना है कि जो भी हमारे समाज में घटित घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें अच्छी अच्छी है वो तो साफ दिखती है कि नहीं, महिलाओं के लिए ये हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखता है तो जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, वो नहीं दिखता है। तो हमें उस चीज को सामने लाना है, उस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा, तब हम जाके कहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बातें तो जब भी घटना होती है, जब भी टीवी से चैनल से चलती है, डिबेट चलता है, और होता क्या है कि एक दूसरे पे थोप के अपना पल्ला सब छुड़ा लेते हैं कि उनके राज में हुआ, उनके सरकार में है, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ। लेकिन जो चीज, जो समस्या के लिए हम चैनल पे बैठते हैं, हम डिबेट पे बैठते हैं, वो समस्या से भटक जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए हमें जगना पड़ेगा, हर माँ बाप को जगना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चलो कभी लोग आते हैं, नहीं आते हैं, हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम है, हमारा दृढ़ निश्चय है, वो होना चाहिए, चाहे 10 आए चाहे 1 आए, लेकिन जो हमें करना है। और आप लोगों से यही हमारी अपील है कि जो भी है, जहां भी कुछ करना चाहता है महिलाओं के लिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। एक कार्यक्रम उस निर्भया को याद दिलाने के लिए है जो आज से 4 साल पहले 2012 में घटना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के विचार से घटना लुप्त होने लग जाती है। तो जो पर्ल ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम किया है कि ये निर्भया या नारी सशक्तिकरण कभी धूमिल ना पड़े, हमेशा इसको जागृत रखना है, और कैसे जागृत रखना है ये सोचने वाली बात है। जो उनका प्रोग्राम है, जो हम उनके साथ सदैव खड़े पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो इससे यह है कि कॉलेज में जाकर महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा देना है कि हमें करना क्या है, कैसे अपने आप को बचाना है। क्योंकि भारत में क्राइम होने के बाद ये नहीं पता लगता कि उस व्यक्ति का, उस परिवार का क्या होगा। अगर मीडिया में आ गया तब तो शायद कुछ उसको है कि हम समाज में जी सकते हैं, वरना वो जी नहीं सकता आदमी। इस केस के दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, ऐसा है कि लोग वकील बनते हैं पढ़ करके, लेकिन एक छोटा मोटा वकील मैं भी बन गया हूँ इस घटना से। जड़ से लेकर पेड़ के ऊपरी पत्ते तक मैं जब देखता हूँ तो समझिए कि हर कोई अपने स्तर से कोई काम नहीं कर रहा है, या काम कर भी रहा है किसी तरह से, तो ये समझ लीजिए कि ये एक कानून की प्रक्रिया है कि ये भी होना है, ये भी होना, ये भी होना है। 3 कोर्ट है, एक ही घटना को ये सबको दिमाग में है कि नहीं, ये निर्भया एक केस हुआ था, ये घटना हुई थी,
लेकिन उस केस को प्रतिदिन जब भी हियरिंग होती है, चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ये एक तरह से पूरा का पूरा पढ़ा जाता है। यानी उसको रामायण महाभारत की तरह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब हमारा सिस्टम बिल्कुल चूर चूर हो चुका है और इसी को बदलने की जरूरत है। महिलाएं या समाज हमारा ऐसा नहीं है कि जागृत नहीं है। अगर जागृत नहीं होता तो वो नहीं हुआ जिसको कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कुछ नहीं। पूरा देश के लोग सड़कों पर उतर के खड़े हो गए। कोई तो कारण होगा, किसी के मन में तो होगा कि मैं ऐसा एक ही रात रात में सब सबका घिराव हो गया। इसका मतलब क्या है कि निर्भया कोई शक्ति भी थी और नारी के लिए बहुत बड़ा अपमान का घटना, नारी के लिए बहुत बड़ी अपमान की घटना हुई थी। तो समाज ये नहीं देखा कि निर्भया किसकी बेटी है और इसका बाप कौन है, कौन सी जाति है। उसने ये देखा कि निर्भया में सबने अपने आप की बेटी को छवि देखा कि अगर इसके प्रति अगर हम जागृत नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आगे हमारे भी साथ कुछ हो सकता है। तो पहले भी मैं कई मीडिया के सामने चैनल पे ये बात कहा था कि अगर समाज नहीं जगेगा तो ये नहीं कि रात में घटनाएं होती है, होगी, दिन में भी घटनाएं होगी और गाड़ी से खींच के होगी, जो देखिए आप यूपी में हुआ था। ये पर्ल ऑफ इंडिया ने जो निर्मल शक्ति परियोजना शुरू की है, इससे आपकी क्या अपेक्षा है? इससे बहुत अपेक्षा है और हमें उम्मीद है कि ये अपने कार्यक्रम में जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर महिला, हर बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, देश के लिए तो बाद में दूंगा, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए दूंगा, नेता लोगों के लिए दूंगा कि आप महिला सुरक्षा पे, महिलाओं के लिए कोई घटना होती है तो अच्छा ना बोले चलेगा, लेकिन गलत ना कभी बोले, क्योंकि आपके एक शब्द ये देश में पूरा विदेश सुनता है तो समाज को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए आप अच्छा न बोले ठीक है महिलाओं को। तो सुना आपने, जब ये घटना हुई थी तब संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ था, नेता संसद में खड़े हुए थे, बयान दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कानून आज भी वैसा ही, आज भी कई निर्भया अपनी जान गंवा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कानून हाथ पे हाथ धरे बैठा है। अब आपको सुनवाते हैं पुस्तक के प्रकाशक का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। कि पर्ल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ऐसा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हो रहा है, संस्कार न्यूज के प्रेरणा में, संस्कार न्यूज के आशीर्वाद पर एक ऐसा कार्यक्रम दिल्ली की सरजमी पर हो रहा है कि जिसको मुझे व्यक्त करते हुए बहुत अत्याधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रणाम है ऐसी मातृशक्ति को, प्रणाम है ऐसे व्यक्तियों को जो हमारी परंपरा को, हमारे संस्कारों को आज तक संजोए हुए हैं। मैं निर्भया के पेरेंट्स परमाचार्य श्री बद्रीनाथ जी, परमचंद्री मातृसंघ श्रीमती आशा देवी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। पर्ल ऑफ इंडिया और संस्कार न्यूज के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया के दैनिक दिनचर्या में जो कीमती समय हम लोगों को प्रदान किया है, इसके लिए हम सब उनके हृदय से आभारी हैं। जो जानकारी अच्छी बात है, हमारी छोटी बहन निर्भया के बारे में मैं क्या बोलूं, चाहते भी नहीं बोल सकता, विचार भी नहीं कर सकता, ऐसा विषय है। उस शक्ति को जिसने सजोया है, उस शक्ति को जिसने बनाया है, उस शक्ति को जिसने एस्टैब्लिश किया है, परमाराधे उनके पिताजी और उनकी माता जी की जो संघर्ष वहां है, हमारे समाज के प्रति, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति, हमारे राज्यपालों के प्रति, वो बहुत जबरदस्त है। उसी संघर्ष पर आधारित उनके सभी कार्यक्रमों को लिपिबद्ध करके, उनकी सभी सूचनाओं को क्रमबद्ध करके पर्ल ऑफ इंडिया और संस्कार विरुद्ध जो आप आवाज उठाएंगे तभी चार लोग आपके साथ में खड़े होंगे। हमारे अंदर कमी क्या होती है, दूसरे की बेटी के कोई भी गलत बोल रहा है, बदतमीजी होगी, हमें हर मां को, हर बेटी को अपना समझना होगा। जब हम ये समझने लगेंगे कि ये जो बाहर बच्ची जा रही है ये हमारी बेटी है, हमारी पुत्री है, हमारी बहन है, तब हम समाज को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं।
हमारी सोच, हमारा समाज कुछ जगह पर बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। जहां मैंने अभी कहा कि लोग जब दूसरे की बच्ची जाती है तो ये नहीं सोचते कि ये मेरी भी बेटी हो सकती है। जो देश ऋषि मुनियों का रहा भारत देश, जहां महिलाओं की हमेशा इज्जत हुई, हमेशा मान हुआ, सम्मान हुआ, उस देश में इतनी बीभत्स घटनाएं होना बहुत ही शर्म की बात है। निर्भय शक्ति कार्यक्रम में जो ये निर्भय शक्ति परियोजना है, इसमें क्या क्या योजनाओं में क्या क्या चीजें होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसमें योजनाएं होंगी कि किसी भी महिला को अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम ऐसा इसमें कुछ कार्यक्रम रखेंगे कि जैसे कोई भी कहीं से भी कॉल करता है, ये वो अगर हमारे एरिया में है या हमारे जानकारी में है तो भी, और नहीं है तो भी, हम उस तक पहुंचने की और तुरंत उस पर कार्रवाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे उसको। उत्तर प्रदेश में सरकार इस समय आपकी चल रही है, आपने अभी तक महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के लिए क्या क्या किया हुआ है? जी, आप सबको ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जितना सरकार में रहकर महिलाओं को सुरक्षित किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया है। कोई अगर कहता है कि हमारी सरकार में क्राइम बढ़ गया है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब से अखिलेश यादव जी हमारी सरकार आई है तब से देख लीजिए, तब से कितना क्राइम कम हो गया। आज महिलाएं स्वतंत्र होकर 11 बजे तक घर से भी लौटती हैं, 12 बजे लौटती हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। पहले 9 बजे निकलने में लोगों को डर लगता था। 1090 से लेकर ऐसी कई हेल्पलाइन है जिसको आप तुरंत फोन करते हो तो यहाँ नहीं तो अगले थाने को रोककर उस पर तुरंत कार्रवाई कर ली जाती है, यहाँ तक कि उस पर FIR लिखे तो थाने बैठा दिया जाता है। अभी आप देखेंगे 100 नंबर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, उससे इतना अच्छा है कि आप अपने घर बैठे FIR दर्ज कर देते हो, जिसकी लोगों को परेशानी होती थी कि हमारी FIR नहीं लिखी जाती, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब घर बैठे भी FIR दर्ज हो जाती है। इससे ज्यादा सुरक्षा मैं तो नहीं जान सकती कि कोई और सरकार में मिलेगी। लेकिन आपकी पुलिस ही कहीं कहीं पर जो है वो ऐसा गोलमोल रोल अपना देती है कि FIR ही लगती है, उस पुलिस को जो है वो लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस, ये एक लोगों के दिमाग में एक बैठ गया है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार है, सपा की सरकार है तो क्राइम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप और सरकार का भी उठाकर देखेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो इसमें ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा जिसमें मुकदमे ना हो। हम लोग से ज्यादा लोग उसमें मुकदमे दर्ज हैं, और आज जो आप देख रहे होंगे जितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उसमें सीएम से जितने मुख्यमंत्री जी के सपा सरकार से ज्यादा तो उसमें दागी और क्रिमिनल है, लेकिन कहा जाता है सपा क्रिमिनल है, तो गलत बात है। पुलिस कहीं कुछ भी गलत नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में या हम लोग के नॉलेज में अगर ऐसी बात आती है तो तुरंत हम लोग पुलिस को कॉल करके उसको तुरंत इंस्ट्रक्शन देते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। ये तो उस क्षेत्र के लोगों को भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा ना, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि सब कुछ बैठे बैठे और तुरंत हो जाए तो ऐसे किसी भी सरकार में नहीं हो सकता। मैंने ये सवाल नहीं करा आपसे कि आप ही की सरकार में पुलिस ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाती है। मैंने कहा कि पुलिस जो है वो आराम से काम नहीं करती है, FIR टाइम से नहीं लिखती है, लोगों को परेशानी परेशान करती है, इस पर पुलिस के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं ये जानना है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो पुलिस के पास सिर्फ एक कार्य नहीं है कि एक मुकदमा आया उसको तुरंत लिखा और तुरंत उस पर कार्यरत हो गए। काम धीरे होता है क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट, आप जानते हैं जब पुलिस में और जब कोर्ट में चीजें जाती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, पर थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप उनको सही तरह से हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि काम होता नहीं है, होते भी हैं। कई मुकदमे ऐसे हैं जो खत्म भी होते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो थाने से निपट भी जाती हैं, अच्छी भी चीजें हैं, बहुत चीजें, ये नहीं कि सिर्फ नहीं करते हैं, यही नहीं है, करते भी हैं। और आखिर में बस सवाल यही है कि आखिर कब तक इसी तरह निर्भया लोगों बच्चियों की जान जाती रहेगी और कब तक ये कानून के वायदे होते रहेंगे कि कड़े कानून बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।